आज मैं आपके लिए लाई हूँ 1 मिनट व्हाइट पास्ता रेसिपी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं यहाँ पास्ता को बॉईल कर रही हूँ और बॉईल करके स्ट्रेन कर लेंगे। तो सब्जी को सॉटे करने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, 3 तरह की शिमला मिर्च मैंने यहाँ ली है, हल्के से कॉर्न्स, और इसके बाद काली मिर्च पाउडर, नमक और लाल मिर्च डाल करके इसको हल्का सा सॉटे करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। तो ये हमारी सब्जियाँ सॉटे हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। तो उसके लिए पैन में डालेंगे बटर और 2 चम्मच मैदा, इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 1 कप दूध डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा कर लेंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें सब्जी, सब्जी डाल करके इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बॉयल किया हुआ पास्ता डाल देंगे। और पास्ता के साथ अब हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो पास्ता बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अगर आपको क्विक रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।